there are certain guidelines laid in the RTI. Now, within those guidelines, the questions under the RTI must fall. And therefore, the Ministry of External Affairs has responded to it. It's not the Ministry of External Affairs has not acted on it. Those which are not related to it, they have even forwarded to the other ministries to respond. So, therefore, within the purview of the law, the answers has been given. विदेश मंत्रालय से संबंधित आरटीआई का जवाब वो कैसे दें? उनकी अपनी मंत्री उसमें फंसी हुई है, वो उसका जवाब नहीं दे सकते। पासपोर्ट हमने कैंसिल किया, उसकी पैरोकारी सही नहीं होती है। कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है इसको बहाल किया जाए, उसकी अपील नहीं की जाती, उसको तत्काल पासपोर्ट दे दिया जाता है। ब्रिटिश अथॉरिटीज को फोन करके और वैसे कहा जाता है कि इनको दे दो ट्रेवल डॉक्यूमेंट दे दो। तो ये तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, कैसे जवाब ही नहीं इनके पास, तो आरटीए का जवाब कैसे दे देंगे? एमईए ने बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि उसमें वाई और रीजनिंग पूछे गए थे पहले तीन क्वेरीज में, जो कि आरटीआई एक्ट के परव्यू में नहीं आते। असल में हमारे यहाँ कमी यह है कि लोगों को ड्राफ्टिंग अभी तक आरटीआई की नहीं आई। हम वाई और रीजनिंग पूछ सकते हैं, पर वो पूछ सकते हैं फाइल नोटिंग मांगने के माध्यम से। और दूसरा, उन्होंने बाकी जो चार क्वेरीज थी, वो जैसा कि सेक्शन 6(3) में प्रावधान है कि 5 दिन के अंदर उन्होंने संबंधित पब्लिक अथॉरिटीज को ट्रांसफर कर दी। और हालांकि अधिकतर पब्लिक अथॉरिटीज 5 दिन में ना करके 30वें दिन ट्रांसफर करती हैं, जो कि गलत है। तो एमईए ने अपनी तरफ से रिप्लाई मेरे हिसाब से बिल्कुल सही दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो रोल रहा है ललित मोदी कांड में, ये ना सिर्फ इमोरल है, अनएथिकल है और करप्ट प्रैक्टिस है। मैं तो कहता हूँ ये एंटी नेशनलिज्म है। एक आम नागरिक को भी अगर वो किसी देश को ये कहता है कि ये जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं इसे मेरे भारत को नहीं बताना, तो ये एक एंटी नेशनलिज्म है।